that is planned for any time this week, and the latest development is the list of new governors that has been put out. Thavarchand Gehlot is the governor of Karnataka. Haribabu Kambampati is appointed as the governor of Mizoram. New names have also been announced for Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Goa, Tripura, Jharkhand and Haryana. As our deputy news editor Amit Kumar has been telling us, this is an exercise to change the face, the nature, the composition of the cabinet completely, as the center plans to put a fresh face to the cabinet. Amit now joins us for more details into this. Amit, khabar to pata chal gayi, governors ki nayi list aa gayi hai, iska perspective samjhaiye. देखिए, सबसे बड़ी बात की बाकी लोग तो छोड़िए, अगर आप देखें इस कैबिनेट में थावरचंद गहलोत थे, एक सीनियर मंत्री थे, सामाजिक कल्याण मंत्रालय था, एक दलित चेहरा थे, और सबसे बड़ी बात की उम्र भी उनकी हो गई थी, तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, और जो जानकारी मिल रही है कि इन्होंने कहा भी था इस बात को प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि वो इंटरेस्टेड हैं कि अब मंत्रिमंडल छोड़कर वो दूसरी जिम्मेदारी मिल सके तो अगर बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थे। कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक में उन्होंने बकायदा ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ मोदी सरकार में जो काम हो रहे हैं जिस रफ्तार में, अगर उसके साथ आप काम करने के लायक नहीं हैं तो आप खुद ही सामने आइए और कहिए कि वो चाहते हैं कि अलग होना, हटना चाहते हैं मंत्रिमंडल से, तो उसके लिए एक ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं हटेंगे तो मैं एक बड़ा फेरबदल कर सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी को, एक बड़ा फैसला ले सकता हूँ जिसके बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। तो उन्होंने ये बात कही थी, और मुझे लगता है जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, एक दलित चेहरा भी है, तो उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको रिप्लेस करना था, लेकिन एक बड़े पद देकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिया गया है ताकि एक संदेश जाए कि दलित जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल से हटाकर वहाँ भेजा गया है, बाकी लोग से कोई ऐसा संदेश नहीं है, लेकिन हाँ, एक दलित चेहरे के तौर पर आप देखिए कि एकोमोडेट करना था कैबिनेट में रिशफल से पहले, अगर इनको ड्रॉप कर दिया जाता तो मैसेज गलत जाता कि थावरचंद गहलोत को मोदी सरकार ने ड्रॉप किया है, एक दलित नेता को ड्रॉप किया है, तो इसीलिए पहले उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। ये जो नए गवर्नर्स जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है अमित, इनको जहाँ भेजा गया है, जैसे कर्नाटका में गहलोत गए हैं, हिमाचल में आर्लेकर गए हैं, गोवा में पिल्लई और झारखंड में रमेश बायस, क्या इनके अपॉइंटमेंट्स में किसी और तरीके के समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है? नहीं, देखिए, जैसे मुझे लगता है कुछ स्टेट्स, अगर आप देखिए झारखंड पॉलिटिकली बहुत ही वहाँ पर पॉलिटिकली मूवमेंट डेवलपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, कर्नाटक में अगर देखिए तो एक पॉलिटिकल आदमी चाहिए जो कि पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल कर सके, थावरचंद गहलोत बहुत ही संगठन में रहे हुए हैं, पॉलिटिकली साउंड आदमी हैं, पॉलिटिकल फैसले लेने के लिए सक्षम है। उसी तरह से रमेश बैस 8 बार के सांसद रहे थे, वो एक सीनियर MPs में से रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पॉलिटिकल साउंड आदमी हैं, तो ऐसे जगहों पे उनके जैसे कि आप देखिए मिजोरम में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कई जगह आप अपने कार्यकर्ताओं को, जो अपने नेता होते हैं उनको सेटल करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली साउंड अगर देखें तो इस पूरे इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल साउंड जो है वो कर्नाटक है, जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, अभी भी वहाँ पर थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है, अब कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर एक आप कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कई तरह की चीजें चलती है, झारखंड में स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं है, तो ऐसे में पॉलिटिकल फैसले लेने की बात हो सकती है। तो इसके अलावा एक त्रिपुरा मध्य प्रदेश जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, तो वो वहाँ पर देखिए तो बड़ा राज्य है, वहाँ पर सब कुछ स्टेबल है वहाँ पर, तो इसीलिए जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, तो मोदी सरकार में अगर आप देखिए तो राज्यपाल की नियुक्ति में भी बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, हमेशा पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है और पुराने लोगों को, जिनको आपने देखा कि पिछले कुछ समय से वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज से गायब रहे हैं, जो कहीं आप कह सकते हैं कि जिनको कोई जानता नहीं है, उनको उठाकर नरेंद्र मोदी ने गवर्नर बनाए हैं, तो एक उनको देखा भी गया है, पोजीशन भी दी गई है। वापस जा रही हूँ आपके पहले जवाब पर, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को कहा था कि अगर आप मेरी सरकार के पेस से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद ही सामने आ जाइए। थावरचंद गहलोत एक हैं जिन्होंने खुद से वॉलंटरीली बोला कि हाँ, मेरे उम्र हो गई है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, तो आप मुझे मैं मंत्रिमंडल से हटना चाहूँगा, लेकिन
क्या कुछ ऐसे नाम भी रहे हैं जो भले ही अपने मन से नहीं जाना चाह रहे हों, पर चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो, चाहे कोई और वजह हो जिस वजह से उनको हटाया जा सकता है, ऐसे कुछ नाम जिनके बारे में आपको जानकारी मिल रही हो? जी हाँ, देखिए जैसे एक निशंक के बारे में कहा जा रहा है कि इनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो उनको हटाने की बात है कि उनको हटाया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो गंगवार संतोष गंगवार हैं, बरेली के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, उनको भी कहा जा रहा है कि हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ सीनियर मिनिस्टर्स में ये बात कही रही है कि चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो या कुछ एक दो लोग हैं जिनको हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वापस लाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि एक बात है, क्योंकि सरकार और संगठन में पिछले कुछ दिनों में जो बड़ी बैठकें हुई हैं इसमें यह भी बात हुई है कि सरकार की बातों को लेकर संगठन तो आगे बढ़ना है, लेकिन जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर कुछ बड़े नाम होने चाहिए जो कि सरकार की बातों को लेकर जो अपोजिशन के जो हमले होते हैं उसका सही तरीके से जवाब दिया जा सके, पॉलिटिकली जवाब दिया जा सके। तो इसके लिए कुछ बड़े लोगों को कहा जा रहा है कि संगठन में लाया जा सकता है। अब जैसे भूपेंद्र यादव का नाम है कि उन्हें संगठन से सरकार में लाया जाएगा, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कुछ सीनियर लीडर्स हैं जिसमें प्रकाश जावड़ेकर का भी नाम है, रविशंकर प्रसाद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके कुछ जिम्मेदारियाँ कम की जाएगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 से 4 मंत्रालय हैं। तो देखना होगा कि क्या है, क्योंकि फाइनली कॉल जो है वो प्रधानमंत्री को लेना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीनियर्स जो हैं जिनके स्वास्थ्य नहीं है या जिनकी एज 75 के आसपास हो गई है उनको भी रिलीफ करने की बात आ रही है। 2 नाम तो ऐसे हैं जो संतोष गंगवार और जो निशंक हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये दोनों को तो ड्रॉप करना लगभग तय माना जा रहा है। राइट, अभी जी आप हमारे साथ बने रहिए। वी आर नाउ आल्सो जॉइंड बाय शहजाद पूनावाला, टाइम्स नाउ कंट्रीब्यूटर। Shehzad, Amit has been telling us that the focus of the Modi government, the Prime Minister, in this reshuffle is going to put forth fresh faces to probably infuse renewed energy, which is why the senior leaders are slowly being eased out. Some of them have been kicked upstairs, like